राउरकेला नजरबंदी अच्छा झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भौणी तथा झारखंड मुक्ति मोर्चार सभानेत्री अंजलि सोरेन से गतकाल राउरकेलार होटेल रिजेन्सी इन रे नजरबंदी अच्छा। तेबे कौन पाई से नजरबंदी अच्छा, कौन पाई राउरकेला प्रशासन और पुलिस नजरबंदी रखी होटेल भितर? केवल से नुहे, जो साथी मैंने अच्छा नजरबंदी रखाई। सीधा सड़क मुहर शुणा आम सहित जोड़ी होती से। अंजलि मैडम, आपको क्यों नज़रबंद में रखा गया है? ये तो पता नहीं सरकार क्यों हमको यहाँ नज़रबंद करके रखी है। हम तो अपना उड़ीसा में ही हैं, कहीं बाहर से तो आए नहीं हैं कि हमको यहाँ वीज़ा का ज़रूरत है। हम कहीं भी उड़ीसा में घूम सकते हैं। इससे पहले भी आप आ चुके हैं राउरकेला, इससे पहले भी आप बहुत जगह घूम चुके हैं, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में खास करके बहुत सारा सभा भी कर चुके हैं, लेकिन इस तरह का परिस्थितियाँ देखने नहीं मिला था। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हम आराम से जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं उन लोगों से मिलने गए हैं, पर इस बार मुझे ना कार्यकर्ता से मिलने दिया जा रहा है ना। देखिए, राजगांवपुर में हमारा कार्यकर्ता रहते हैं, हम उन्हीं लोग से मिलने आए थे और हमको यहाँ नज़रबंद कर दिया गया है। कल राजगंगपुर में एक जनसुनानी था, पब्लिक हियरिंग था ज़मीन अधिग्रहण के लिए, खास करके जो आदिवासी लोगन होते हैं वो लोगों का ज़मीन जो अधिग्रहण के लिए कंपनी का था, एक कंपनी का था, प्राइवेट कंपनी का। और आज भी कुतरा ब्लॉक में एक प्राइवेट कंपनी जिंदल जो है वो भी जनसुनानी कर रहा है लगातार अभी 3 से 4 दिन। कई दिन पब्लिक हियरिंग है और लोगों का ज़मीन अधिग्रहण का जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है। आपको वहाँ बुलाया गया था, उस बारे में क्या कहना है? हमको बुलाया गया था, हम उसी के लिए आए भी हैं, लेकिन हमको नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि पता नहीं सरकार क्यों डर रही है हमसे। देखिए, हम आदिवासी तो बहुत, आदिवासी को ये दबाने वाली बात हो गई कि कोई उनके तरफ से, आदिवासी के तरफ से कोई खड़े नहीं हो। यहाँ पर जो आदिवासी का ज़मीन अधिग्रहण कर रहा है, कंपनी जो कर रहा है, वो जो ट्राइबल एक्ट है, हम लोगों का संविधान की व्यवस्था जो है, वो व्यवस्था के अंतर्गत ये सारा चीज़ हो रहा है। नहीं, देखिए, सरकार बोल रही है कि हम विकास करने चाहते हैं, लेकिन विकास इतने सालों से क्यों नहीं किए? विकास जो आप फैसिलिटी शहरों में देते हैं विद्यालयों को, वो ग्रामीण एरिया में क्यों नहीं है? हॉस्पिटल का जो सुविधा आप भुवनेश्वर, कटक में देते हैं, वो ग्रामीण एरिया में क्यों नहीं है? फिर आप तो कंपनी खोल लोगे, फिर हमको क्या मिलेगा? वही 150 वाली रोजगार, वही मजदूरी मिलेगी। फिर हम किस लिए अपना ज़मीन देंगे? मेरा ज़मीन में मेरा अधिकार है। अगर सरकार ऐसी चाहती तो हम 1 इंच भी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं होंगे। कुतरा ब्लॉक में जो पब्लिक हियरिंग हो रहा है, वहाँ पर जो माइंस एक्सपांशन का नाम में तकरीबन 15 गांव का ज़मीन छीना जाएगा लोगों से। वहाँ पर जो खेतीबाड़ी करके आदमी लोगों जी रहे हैं, वो अभी खेतीबाड़ी वहाँ नहीं होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, आदमी लोगों रोजगार बेरोजगारी भी बढ़ेगा। तो वहाँ पर गांव का जो माहौल है, वहाँ पर ब्लॉक का जो माहौल है, वहाँ पर जितना भी गांव है, ज़मीन जो लोगों भी गवाएंगे, सब एक तरह से अभी विरोध भी कर रहे हैं उसका। हाँ, विरोध कर रहे हैं और विरोध होना भी चाहिए क्योंकि हम आदिवासियों के लिए जल, जंगल, ज़मीन ही सब कुछ है और हम लोग उसके लिए बहुत सालों से ही लड़े हैं। हमारे बाबा शिबू सोरेन ने इसी से राजनीति शुरू की थी, अपने आदिवासियों के लिए जो जल, जंगल, ज़मीन के लिए लड़ा था। और हम किसी भी कीमत पर अपना ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी कंपनियां हमसे ठग करके ली गई हैं जिसका हमको आज तक मुआवजा नहीं मिला है। और हम को ये भी अंदाज़ा है कि आगे भी हमारे साथ इसी तरह का होगा, हमसे ज़मीन छीना जाएगा। जो अभी हमको रोज़गार के लिए जो भी हमारा थोड़ा बहुत चासी करके हम लोग जो अपना पालन पोषण करते हैं अपने बच्चों, अपने परिवार को, फिर बाद में अगर हम अपना ज़मीन दे देंगे फिर हम कैसे अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालन पोषण करेंगे? क्योंकि सरकार हमसे ज़मीन तो ले लेगी, कल को हमको किसी तरह का रोजगार या किसी तरह का मुआवजा नहीं देगी, क्योंकि अभी तक वैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो यहाँ ज़मीन अधिग्रहण की हैं, लेकिन उनको अभी तक भी ज़मीन, उनको बोला गया था कि हम आपको दूसरी जगह पर ज़मीन देंगे, लेकिन अभी तक इतने साल हो गया, 30-40 साल से भी ज़्यादा ऊंचे हो गए हैं, लेकिन अभी किसी को ना ज़मीन मिली है ना रोजगार मिली है। यहाँ पर जो भी ज़मीन अधिग्रहण का प्रोसेस चल रहा है, जो भी विरोध कर रहे हैं, हम लोगों ने भी उनसे बात किए थे। उन लोगों का कि कहना है कि हम लोगों को ज़मीन रोजगार का नाम से, माइंस एक्सपांशन का नाम से हम लोगों का ठका जा रहा है, जो उन लोगों को विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बात, वो लोगों ने जो एलिगेशन लाए हैं, यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी जो है, वो प्रशासनिक अधिकारी कंपनियों के साथ मिले हुए हैं, ना कि लोगों का स्वार्थ में काम कर रहे हैं। सरकार प्रशासनिक लोग को के द्वारा ही हम पर दबाव डाल रही है, जैसे कि हम जा नहीं पा रहे हैं। देखिए अभी ये तो उनका अपना प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर के हमको यहाँ नज़रबंद किया गया है। आप सिर्फ जेएम का सभानेत्री नहीं, एक मुख्यमंत्री का बहन भी है। यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, जैसे हो गए हम लोगों का एडीएम हो गया, कलेक्टर हो गया, आप लोग उन लोगों ने आपसे बात की है या आप उनसे बात किए हैं? नहीं, कल हमने फ़ोन की थी पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो इसको लेके आप क्या बोलेंगे? आज हम लोग एडीएम में अपना मोरेंडम देने जाने का हम लोग बोल रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये जो आदिवासी लोगों ने, जो जितने भी हैं सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो भी अपना ज़मीन गंवा रहे हैं, जो भी ज़मीन अपना दे रहे हैं कंपनियों को, या उन लोगों को जो मुआवजा मिलना था अभी तक आप बोल रहे हैं मिले नहीं है, तो आगे आप किस तरह से लोगों का साथ देंगे? हम लड़ेंगे, उसके लिए आंदोलन करेंगे। ये तो बहुत तकलीफ वाली बात होती है कि देखिए हम लोग जल्दी ज़मीन बेचते भी नहीं हैं। आदिवासी लोग बहुत रियल में, किसी का तबीयत खराब है तो बहुत मजबूरी में बेचते हैं, क्योंकि उनका रोजी रोटी वही है। ये तो बहुत तकलीफ़ वाली बात है। और ये भी पता है कि सरकार हमारे तरफ किसी तरह का भी हमारा भला नहीं करेगी। निश्चित भाव अपन शुणुले जो अंजलि सोरेन जी अच्छा हेमंत, झारखंड मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को भौणी अंजलि सोरेन से निजर प्रतिक्रिया रखुले। तेज जो सुंदरगढ़ जिले जो जमी अधिग्रहण चली माइन्स एक्सपेंशन ना कि अन्य जो कंपनी मैंने जमी अधिग्रहण करुँच जो पब्लिक हियरिंग हो जोरदार विरोध कर ग्रामवासी आर सहयोग करने कि साथ देवाई से सुदूर झारखंड आसी किंतु ये रखाई गृहबंदी में होटेल नजरबंदी कर रखाई आउ से प्रशासनिक अधिकारी सहित बारंबार कथा हाँवाक चेष्टा कर सहित कौन प्रशासनिक अधिकारी कथा ही ना कि विषय बसी कौन आलोचना करना तेरे आंदोलन आदिवासी आगक जारी रही से निजर प्रतिक्रिया कहते। राउरकेला कैमरा पर्सन रवि दास, अमिरंजन, परिडा, अर्गस न्यूज।